अब कोई हमसे कहे कि भैया हमें ये चीज पसंद है, हमें ये वाला इत्र पसंद है, हमें ये कपड़े पसंद है, हमें ये वाले फूल पसंद है, तो फिर हम वो वाले फूल उपयोग करेंगे, वो इत्र लगाएंगे, बस ही कपड़े पहनेंगे, हैं करते कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया इनको पसंद है। किनको पसंद है? इनको पसंद है ये वाली इत्र, ये वाला परफ्यूम, ये वाले कपड़े, ये वाले फूल, ये वाली ड्रेस। हम संसारियों की तो एक एक बात का याद रखते हैं कि किसको क्या पसंद है, रहने से लेकर के खाने पीने से लेकर के ओढ़ने सोने तक हम एक एक बात का याद रखते हैं। महाराज कहें कि कल भैया हलवा को भोग लगाओ, महाराज खीर बन गई, अब खीर को ही लगा दो भगवान को, हलवा कल बना लेंगे, और मौड़ा मौड़ी कह दे हलुआ अब भाई बेटा सैंडविच ले जे रखा है, और मोड़ा मोड़ी को बाप कह दे पूड़ी पकौड़ी पराठा जो चाहिए अभी बनाते हैं गर्मा गर्म। अब बोलो संसार की इतनी चिंता, और भगवान अब कल बना देंगे। एक बार मोड़ा मोड़ी से कह के देखियो जब बात, अब कल अभी कहेंगे हाँ हमें उम्मीद भी नहीं है आपसे और कुछ। इसलिए भैया कथा कहती है कि तन का संबंध संसार से है, लेकिन मन का संबंध भगवान से। निर्मल मन जन शो मुहि पावा, वह व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय है जिसका मन निर्मल है। संत जन कहते हैं भैया सारा जगत भगवान को पसंद करता है, कोई है क्या इस संसार में ऐसा जो भगवान प्रिय ना लगते हो? जैसे सारा जगत से पूछो क्या प्रिय है, बोले भगवान बड़े प्रिय लगते हैं हमें। लेकिन भगवान से पूछो कि आपको कौन प्रिय है, आप किसे पसंद करते हो, आपको कौन अच्छा लगता है, आपको कौन सबसे बढ़िया लगता है संसार में, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया है निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोह कपट न भावा। मुझे वह प्राणी प्रिय है जो निर्मल मन है जिसका।